यह पूरी खबर बागपत से आ रही। जिला अधिकारी ने राजकमल यादव के साथ एक केकड़ा गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी किसान को गेहूं क्रय केंद्र पर किसी तरह से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आवश्यक रूप से किसानों को कोई भी क्रय जहां पर केंद्र प्रभारी चक्कर ना लगवाए, उनके साथ ही मधुर व्यवहार रखे। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तौल संचालित कर रहे किसान अपना गेहूं विक्रय करें और तब तक केंद्र जनपद में क्रियाशील रहेगा। और जिलाधिकारी ने कहा कि जहां पर अन्नदाता हमारे लिए सर्वप्रिय है, उन्होंने कहा कि प्रत्येक गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों के लिए समस्या सुविधा युक्त मानक रखे जाए और पानी की व्यवस्था को सैनिटाइज की व्यवस्था, बैठक की व्यवस्था, छायादार व्यवस्था। जिलाधिकारी ने कहा गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं रेट का बोर्ड अवश्य लगवाना जरूरी है। प्राइवेट के लिए वीरेंद्र तोमर, बागपत, उत्तर प्रदेश।